नमस्कार, आपका ए टू जे न्यूज चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर 5 मिनट में 30 खबरें फटाफट आपको बताएंगे। तो सबसे पहले खबर निकल के आ रही है, वो खबर निकल के आ रही है, फेसबुक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने के लिए कानून बदल रही है सरकार, और इससे काफ़ी कुछ असर रहेगा। यह होगा इनसे असर, 50 लाख से अधिक सोशल मीडिया यूजरों की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकार की मदद के लिए उत्तरदायित्व रहेगा। 72 घंटे के भीतर देना होगा किसी भी सवाल का जवाब कंपनियों को। 180 दिनों तक गैरकानूनी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना होगा। अभी यह अवधि 90 दिनों की है। समन्वय अधिकारी नियुक्त करना होगा जो कानून परिवर्तन एजेंसियों से समन्वय बना के रखें। दोस्तों, दूसरी जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है जीएसटी पे, एक जीएसटी दर 28% का होगा। सूर्यास्त हो जाएगा 28% स्लैब की जो जीएसटी लगी हुई थी, अब कुल मिला के एक जीएसटी लगेगी। वित्त मंत्री जेटली ने अपने ब्लॉग में दी है ये जानकारी। करीब 1.5 दर्जन वस्तुओं से आधा दर्जन सेवाओं पर वस्तु कर सेवा कर जीएसटी दरों में कटौती के बाद केंद्र सरकार ने जल्द ही इसको 12 से 18% की श्रेणियों में ख़त्म कर एक नई स्लैब जारी करेगा। दोस्तों, एक नई खबर निकल के आ रही है, वो आ रही है पाकिस्तान से। भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को 7 साल की सज़ा सुनाई है वहाँ के कोर्ट ने, और ये भी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ में उन पे $25 लाख लगभग 17 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोस्तों, एक और नई खबर निकल के आ रही है, अब रिकॉर्डिंग सवाल ही सुनेंगे पीएम मोदी। अब जो पहले लाइव आके सुनते थे उनकी जगह अब केवल और केवल मोदी जी सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग ही सवाल सुनेंगे। और एक नई जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है गृह मंत्रालय से, कूचियों की कीमत चुका रहे हर साल 50,000 नेवले, देश भर में छापेमारी, मिले हजारों किलो बाल, नेवलों के हजारों किलो बाल मिले हैं, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। आगे जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है इंडोनेशिया, जो कल जहाँ पे ज्वालामुखी फटी थी 1883 के ज्वालामुखी के कारण आई सुनामी, लौट सकती है सुनामी। अब तक 373 लोगों की मौत हो चुकी है, 1116 लोग उसमें घायल हो चुके हैं, जावा से ज़्यादा जनहानि हुई है, तटों से दूर रहने की चेतावनी जारी किया है, अलर्ट जारी किया है, बहुत ही भयंकर हादसा हुआ है वहाँ पे। अब आगे जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है कांग्रेस से, 2019 की तैयारियों में अभी से लग गई है कांग्रेस, सभी बड़े पदों पर होगी नई नियुक्तियाँ, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बदलाव करेगी कांग्रेस, बदलाव करने के मूड में है अभी और कांग्रेस, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल सबको साधने के चक्कर में नहीं बन पा रही सहमति, कांग्रेस सभी को साधने की कोशिश में उनकी जो सहमति है वो एक तरीके से नहीं हो पा रही। आगे जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है हार के कारण तलाशने में जुटी भाजपा, जो अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो हार हुई उसके कारण तलाशने में जुट गई है बीजेपी, कई स्तर पर रिपोर्ट तैयार हो रही है रिपोर्ट। और साथ में खबर निकल के आ रही है पीएम मोदी ने किया पीएम पद का अपमान, एक तरीके से शरद पवार एनसीपी प्रमुख ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जितना प्रधानमंत्री पद की गरिमा को अपमानित किया उतना किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं। और आगे जो खबर निकल के आ रही है 2019 का जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहा है वैसे वैसे जल्द सामने आएगा तीसरे मोर्चे का स्वरूप, केसीआर का कहना है, ममता से मिले तेलंगाना के सीएम। और एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, राबड़ी देवी के बड़े सपुत्र ने मौका मिला तो राजद की कमान संभालूंगा, ये कहना है तेज प्रताप का। और दोस्तों, अब एक बहुत ही अच्छी खबर और निकल के आ रही है, मस्क के कारण अमेरिका को मिला सबसे शक्तिशाली जीपीएस, स्पेस एक्स में 3 विफल प्रयासों के बाद मिली है ये सफलता, सेना को मिलेगी सबसे सटीक जानकारी, 31 उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे वर्तमान में 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और दोस्तों, जो नई खबर निकल के आ रही है वो आ रही है वाजपेयी पर स्मारक सिक्का जारी, वाजपेयी जी की याद में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी कर दिया गया है उनके जन्मदिन पर, ये बहुत ही बड़ी एक तरीके से उपहार होगा उनके लिए। और दोस्तों, अभी जो खबर एक और निकल के आ रही है वो आ रही है सीरिया में बचे हुए आईएस को तुर्की ख़त्म कर देगा, राष्ट्रपति एंदोआन वह इंसान है जो ये काम कर सकते हैं, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति का। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है सीरिया से अमेरिकी सेना को बुलाने का फैसला दुखद है, साथी होने का मतलब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होता है।
अब दोस्तों बात करते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की बात करें तो 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है तीसरा टेस्ट मैच, मेलबर्न में करेंगे पलटवार, ये कहना है रहाणे का। अपना समय लेकर खेले बल्लेबाज, पूरा का पूरा समय लेके खेले अपना बल्लेबाज, ये अजिंक्य रहाणे का कहना है। और जो खबर निकल के आ रही है, 6 माह के बाद धोनी को भी T20 में वापसी है। 2020 में भी 6 महीने के बाद में महेंद्र सिंह धोनी का वापसी हुई है। और दोस्तों अभी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो आ रही है फुटबॉल में फ्रांस की बादशाहत बराबर बनी हुई है। और दोस्तों अभी जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है मिशेल जॉनसन का कहना है विराट कोहली से बेहतर कप्तान साबित होंगे अजिंक्य रहाणे। रहाणे का टेम्परामेंट अन्य खिलाड़ियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों अब बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड से जो पहली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है आलोचना को नहीं होना चाहिए पाखंडी, ये कहना है जिशान अयूब का। तब्बू के लिए गाने का इंतजार कर रही है शिल्पा। और अंकित ने अब मीत ब्रदर्स से हाथ मिलाया। और साथ में ही एक और खबर निकल के आ रही है प्रियंका चोपड़ा की जेठानी ने जताई है चिंता। टीवी शख्सियत एडिनेली जॉन्स का कहना है कि जोधपुर में देवर निक जॉन्स और प्रियंका चोपड़ा की शादी में शामिल होना उनके लिए शानदार अनुभव रहा, लेकिन साथ ही उन्हें लगता है कि प्रियंका शादी के जश्नों और कार्यक्रमों के चलते जरूर थक गई होगी। यूएस वीकली को साक्षात्कार में डीएनए ने नवविवाहित दंपति की तारीफ करते हुए बताया कि विवाह पूर्व हुए कार्यक्रमों खासकर संगीत का उन्होंने खूब आनंद लिया। उन्होंने कहा वह बहुत जरूर बेहद थकी होंगी लेकिन मैं जानती हूँ कि वह खुश है। तो दोस्तों आपको हमारी खबरें कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ देखिए, आपके नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्लीज़ आप प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी जो खबरें हैं हम लोग जो खबरें आपको देते हैं वो सबसे पहले देखने को आपको मिले। तो थैंक यू, बाय दोस्तों।